हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 99% लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार कर दो चैनल सब्सक्राइब। मेरे पास में ये 220 का जो हेडलाइट है वो स्पेयर में पड़ा हुआ था, तो मैंने सिंपली क्या किया है, उसके अंदर का जो हेडलाइट का अंदर का कवर होता है उसको मैंने इस कुछ इस टाइप में कट किया है, जो हमारे करिश्मा का जो हेडलाइट है उसके अंदर प्रॉपर से फिट दिख जाएगा लाइक दिस। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इस पे जो बोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बोल्ट और यहाँ पे स्क्रू से हम डायरेक्टली उसको ऐसे टाइट कर देंगे और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक ही स्क्रू से वो पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा, वहाँ पे हिलने मतलब हिलेगा नहीं वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। तो उसके बाद ऐसा कुछ दिखेगा हमारा हेडलाइट। अगर आपको और कुछ पूछना होगा इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा हेडलाइट, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं एक बार फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से उसको फिक्स कर दिया यहाँ पे हेडलाइट असेंबली में। मैंने स्क्रू यहाँ पे अंदर लगाया है, एक सेंटर पे है और एक यहाँ पे। तो ये जो 220 का है वो एकदम प्रॉपरली फिक्स हो गया इसके ऊपर, बाकी जो है आपके सामने वो किधर भी नहीं जाएगा, ये एकदम प्रॉपर हो गया ये। तो चलिए इसको फिट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो हेडलाइट है वो प्रॉपर से एकदम फिट हो चुका है। मैं आपको इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये जो रिंग है उसका कनेक्शन मैंने पार्किंग के साथ में किया है। थोड़ा कम कर देता हूँ फिर आपको दिखेगा अच्छे से। ये जो है ये फिलहाल रिंग चमक रही है और ये पार्किंग के बल्ब। ये है हमारा मेन हेडलाइट, रोशनी बहुत अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हो उसमें। ये लगाने के बाद गाड़ी का जो लुक है वो कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि करिश्मा की हेडलाइट है करके। तो चलिए सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the